अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार, राम राम, हेलो। मैं हूं कमरान अकमल और आप देख रहे हैं ऑल बीएड इंफॉर्मेशन। आज की टॉपिक है स्कूल ऑब्जर्वेशन फाइल। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। मैं हूं कमरान अकमल और आप देख रहे हैं ऑल बीएड इंफॉर्मेशन। सबसे पहले ऊपर में लिखेंगे अपने स्कूल का नाम, उसके बाद स्कूल का कहाँ पोस्ट है, फिर स्कूल का कौन सा स्टेशन है, फिर स्कूल कौन से ज़िले में पड़ता है, और उस स्कूल का पिन कोड डालें। आप जिस स्कूल में हैं उसकी हिस्ट्री के बारे में बताएं कि स्कूल का हिस्ट्री क्या है। जैसे कि मैं पढ़ाने जा रहा था भोजपुर आरा ज़िले के बीबीगंज बाज़ार से 1 किलोमीटर दूर एक छोटे से गांव में राजकीय मध्य विद्यालय पठानपुर स्थित एक छोटा सा गांव है, छोटे से कस्बे में, और बहुत ही यह पुराना स्कूल है। यह मिडिल स्कूल है। कक्षा 1 से लेकर 8 तक छात्र छात्रा दोनों सुचारू रूप से पढ़ने आते हैं। यह विद्यालय तकरीबन 58 साल पुराना है। यह स्कूल का गठन 1960 में हुआ था। अपने स्कूल के मैनेजमेंट के बारे में बता रहे हैं। इस स्कूल की सबसे खास बात यह है कि इस स्कूल को प्रधानाचार्य महोदय के द्वारा स्कूल का बेहतरीन तरीके से सारी सुविधाओं का प्रबंध किया जाता है। प्रबंधन के रूप में अभिभावकों के होने से यह फ़ायदा रहता है कि वे स्कूल की बेहतरीन के लिए काम करेंगे, क्योंकि वहां उनके खुद के बच्चे पढ़ते हैं। अब हम अपने स्कूल के लक्ष्य के बारे में बताएंगे। विद्यालय का लक्ष्य विद्यालय में नामांकित विद्यार्थी को स्कूल से होती है। इसी तरह विद्यालय को भी अपेक्षाएं विद्यार्थी से जुड़ी होती है। हालांकि उनके बीच का कड़ी में शिक्षकों सहित अभिभावकों को माना जाता है। विद्यालय में शिक्षकों का लक्ष्य बच्चों का बेहतरीन शिक्षा प्रदान करना है। इस विद्यालय का वास्तविक लक्ष्य इंजीनियर, डॉक्टर, नेता ये सब बनने के साथ साथ ही एक आदर्श इंसान बनने की विद्यालय का लक्ष्य है। अब अपने स्कूल के ऑब्जेक्टिव के बारे में बताएंगे। विद्यालय का उद्देश्य विद्यार्थी को केवल अच्छे अंक लाना नहीं होना चाहिए, बल्कि उनके चरित्र और व्यवहार सामाजिक रूप से सशक्त बालक बनना होना चाहिए। विद्यालय का उद्देश्य ग्रामीण बच्चों को अंदर सुचारित देशभक्त व सामाजिक प्रेम का भाव भरना है। प्रधानाचार्य महोदय ने कहा कि सभी लोगों के सहयोग से ही विद्यालय की सफलता परिणाम संभव है। नेम ऑफ प्रिंसिपल, यानी आप जिस स्कूल में पढ़ा रहे हैं उनका प्रिंसिपल का नाम और कॉन्टेक्ट नंबर, नंबरिंग डाल करके क्रम संख्या के नीचे इसमें शिक्षक का नाम डालें, इसमें पद नाम डालें, इनमें उन लोगों का जन्मतिथि डालें, फीमेल है मेल है उनका ये डालें, लिंक डालें, फिर उसके बाद फिर क्रम संख्या डालें, इसमें नाम डालें, इसमें उन लोगों का पद डालें, इसमें उनका जन्मतिथि डालें, इसमें मेल फीमेल डालें, इसमें जाति उनकी डालिए, इसमें शिक्षकों का योग्यता डालें, इसमें शिक्षक विषय का नाम डालें, वो लोग कौन सी विषय पढ़ाते हैं, इसमें कब वो लोग नियुक्ति किए, और उनका मोबाइल नंबर इसमें डालें। अगर शिक्षकों की संख्या अधिक हो तो इस वाले खाने में और क्रम संख्या बढ़ा करके इन लोगों का नाम डालें। इस वाले में बच्चे का संख्या लिखें कि बच्चे OBC है, जनरल है, SC ST है। अपने सर की सहायता से इस वाले खाने में भरें। अगर बच्चों की संख्या ज़्यादा हो तो इस वाले स्थान में भरें, इस वाले खाने में। यह वाले खाने को भरने के लिए अपने प्रिंसिपल का सहायता लें और प्रिंसिपल से पूछ के ही भरें। यह वाले खाने को भी भरने के लिए अपने प्रिंसिपल की सहायता लें, या फिर देखकर हुए हूबहू सेम टू सेम उतार सकते हैं। यह भी खाने को भरने के लिए सारे खानों को भरने के लिए अपने शिक्षक की सहायता अवश्य लें, या फिर हूबहू सेम टू सेम मेरे जैसा आप उतार दें। यह सारे खाने को भरने के लिए या तो मेरे हूबहू उतार दें, या फिर सर की सहायता से, प्रिंसिपल की सहायता से ये सारे खानों को भरें। यह खानों को भरने के लिए या तो हूबहू उतार दें, या फिर सर की सहायता से आप इसमें भरें और स्कूल की वहाँ के टाइम टेबल वहाँ पे उतारें और ईयर्स को चेंज कर दें। बाकी हूबहू उतार सकते हैं, या फिर सर की सहायता से आप ये सारे खानों को भरें। यह 2019 का कैलेंडर है, आप सर की सहायता से 2020 का कैलेंडर लेकर के इसमें भरें। इस खाने में आप एडमिशन सिस्टम के बारे में बताएं
कि कक्षा एक में दाखिला लेने के लिए बच्चों की हम कम से कम उम्र 6 या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। यह जानकारी हमें पठानपुर राजकीय मध्य विद्यालय में दी गई। सरकार के नियम के अनुसार सारी चीज़ें सिस्टम और ढंग से चल रही हैं। दाखिला के लिए कोई फीस नहीं ली जाती, मुफ्त में दाखिला दिया जाता है यहाँ बच्चों को। आप केवल अपने स्कूल का नाम यहाँ पर चेंज कर दें, जैसे हमने पठानपुर लिखा है वहाँ पर स्कूल का नाम चेंज कर दें। एग्ज़ाम सिस्टम के बारे में बताएं, जैसे कि मेरा स्कूल है राजकीय मध्य विद्यालय पठानपुर, आप यहाँ पे नाम चेंज कर दें। मैं स्कूल में गया और श्रीमान प्रधानाध्यापक मोहन सर, आप वहाँ पे अपने प्रिंसिपल का नाम रखें, मोहन सर से परीक्षा के बारे में पूछा। सर ने हमें यह जानकारी पूर्ण ढंग से दिया कि पहले 6 माही इम्तहान यानी अर्धवार्षिक परीक्षा लेते हैं सरकार के आदेशानुसार, फिर जो बच्चे अपने कक्षा में कम नंबर लाते हैं तो उन बच्चों पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है और फिर वार्षिक परीक्षा तक उसको तैयार करते हैं ताकि कोई बच्चा फेल ना हो। और इससे हमें यह जानकारी मिली कि सरकारी स्कूल में, खासकर बिहार की पठानपुर स्कूल में, अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा होती है। फी सिस्टम, दाखिला या TC यानी मूल प्रमाण पत्र या किसी ज़रूरियात कागज़ के लिए किसी तरह का कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। पठानपुर राजकीय मध्य विद्यालय के सर से पता चला और उन्होंने बताया कि सरकार की तरफ से ऐसा कोई आदेश नहीं है। ऑफ़िस सिस्टम, इस वाले खाने में ऑफ़िस सिस्टम के बारे में बताएं कि आपके ऑफ़िस में क्या क्या मौजूद है। सर से पूछिए, अपने प्रिंसिपल से पूछिए और अपनी आँखों से देखिए और जो समझ में आए बेहतर से बेहतर इसमें लिखिए। सर के इजाज़त के बिना इसमें कुछ ना लिखें। स्कूल टाइम टेबल, ये आप प्रिंसिपल ऑफिस के अंदर आप जाते हैं तो ये सारे स्कूल टाइम टेबल का सिस्टम टांगा हुआ रहता है, या फिर सर की सहायता से आप पूछ करके लिख सकते हैं और मध्याह्न भोजन के कार्यकाल के बारे में लिख सकते हैं। सर से पूछ लीजिए, सारी सहायता आपके सर करेंगे। कल्चर एक्टिविटी, इस खाने में आप इस तरह से भरें। बिहार सरकार ने सभी सरकारी विद्यालयों में निःशुल्क शिक्षा, पुस्तक और ड्रेस के लिए अकाउंट में पैसे, छात्रवृत्ति और MDM सेवा की शुल्क की शुरुआत की है ताकि छात्र अधिक से अधिक संख्या में स्कूल आए और अपने माता पिता पर बोझ न बने, इसके साथ साथ कौशल का विकास का हो सके। इस कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चों को कबड्डी, फुटबॉल, चेस, दौड़ इत्यादि प्रतियोगिता की व्यवस्था की निःशुल्क की गई है। SMC, इस खाने में आप इस तरह से भरें। SMC का फुल फॉर्म है स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, जिसे हिंदी भाषा में कहते हैं कि विद्यालय प्रबंधक करने में इस SMC की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हर 2 वर्ष में विद्यालय प्रबंधन समिति की कार्यकारी समिति का पुनर्गठन किया जाना जरूरी है तथा SMC 3 वर्ष विद्यालय बनाएगी। इस समिति में कुल सदस्यों के 3/4 सदस्य विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे, छात्र छात्राओं के अभिभावक होंगे। यह आवश्यक है कि SMC कार्यकारी समितियां में कुल 15 सदस्य होंगे, जिनमें 7 महिलाओं का होना ज़रूरी है। 1 महिला शिक्षिका विद्यालय में प्रबंधक, 1 छात्रा या 1 छात्र विद्यालय में पढ़ने वाले में से जिस वार्ड में विद्यालय स्थित है उस वार्ड का चुना होना प्रतिनिधि सदस्य व 11 विद्यार्थियों के अभिभावक होंगे। समितियां के सभी सदस्यों में से 7 सदस्य महिलाएं होंगी। SMC की प्रत्येक पिछली नियमित बैठक की तारीख से आगे 3 महीने को बैठक होना चाहिए। SMC की बैठक की तिथि अमावस्या होनी चाहिए क्योंकि मजदूर वर्ग के लोगों का अवकाश होता है, जिससे वे विद्यालय में सहजता महसूस करें। यह खाने में भरने की कोई ज़रूरत नहीं है, या अपने मन से कुछ भर सकते हैं।